hello and welcome dear students myself shifa shaukat working as agriculture vocational trainer at government high secondary school guridraman my vocational training partner is beable first of all i would like to pay my special thanks to mr arun manhas spd samagra mr muzaffar ahmed sheikh cluster head mr sameer ahmed Wage, state coordinator एंड मिस्टर जावेद अहमद शापू इंचार्ज प्रिंसिपल गोमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरी डियर स्टूडेंट्स द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज सोइंग मैथड्स मैं जो टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ उसमें हम बुआई के तरीके पढ़ेंगे बिफोर गोइंग टू द मैथंग

Now, coming to the methods of sowing. Sowing has mainly four methods broadcasting, drilling, dibbling, planting, or transplanting. Now, let us start with broadcasting. Broadcasting is one of the oldest and most common methods of seed sowing. Seeds are scattered or thrown in a random manner in the field. This method is used in wheat, mustard, fodder crops, etc. बुआई का ये जो तरीका है यानी ब्रॉडकास्टिंग का जो तरीका है ये तरीका बहुत ही आम और पुराना तरीका है इस तरीके में हम क्या करते हैं कि जब हम अपना खेत यानी फील्ड जब हम तैयार करते हैं तो बीज को बिना किसी तरतीब के ऐसे ही खेत में बिखेरा जाता है यानी कि इसमें हम कोई मखसूस तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं Now let's talk about the advantages and disadvantages of broadcasting. It's cheap, easy and time-saving. It's suitable for small-seeded crops. अगर हम इसके फायदे देखें तो पहला फायदा इस तरीके का ये है कि आसान है सस्ता है और वक्त भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है दूसरा फायदा ये है इसका कि कुछ फसल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका बीज छोटा होता है तो उन छोटे बीज वाले फसलों के लिए ये तरीका बहुत ही मुफीद रहता है डिसएडवांटेज द फर्स्ट डिसएडवेंटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट देयर इज़ अन इवन सीट डिस्ट्रीब्यूशन दैट देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन लैंड कवरेज जैसा कि हमने इस तरीके में देखा कि इसमें हम बेतरतीबी के साथ बिना किसी तरीके के साथ खेत में बीज को बिखेर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो खेत होता है उसमें कई कई जगह बहुत सारा बीज एक ही जगह आता है और कुछ जगहें जो होती है खेत की वो खाली रहती है यानी कि यकसा तरीके से खेत में बीज नहीं पड़ता द सेकेंड डिसएडवान्टेज इन प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड्स एक बीज को जर्मिनेट होने के लिए यानी कि एक बीज को एक पौधा बनाने के लिए उसको जैसे रोशनी हवा पानी की ज़रूरत होती है वैसे ही ये बात भी ज़रूरी है कि एक बीज को एक मखसूस जगह यानी कि एक मखसूस गहराई मिलनी चाहिए जहाँ से कि वो जर्मिनेट कर पाए अगर हम इस तरीके में देखें तो इस तरीके से बीज को वो मखसूस जगह वो मखसूस गहराई नहीं मिलती है द थर्ड डिसएडवानटेज़ वेस्टेज ऑफ सीड्स इस तरीके में हम बहुत ज्यादा बीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीज जाया भी होता है नाउ कमिंग टू द सेकेंड ड्रिलिंग और लाइन सोइंग मैथड द कंटिन्यूस ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स इन फरो फरोइंस एंड कवरिंग दैम विथ सॉइल इज कॉल्ड ड्रिलिंग और लाइन सोइंग मैथड फरोइनस ईडर मेड बाय सी ड्रिल और फर्टिलाइजर ड्रिल दिस मेथड इज़ यूज्ड इन वीट मेज बाली एस्ट्रा इस तरीके में हम क्या करते हैं कि जो हमारा खेत होता है उसमें हम गहरी या कुंद लकीरें पहले बनाते हैं और फिर उन्हीं कुंद लकीरों में यानी थोड़ी गहरी लकीरी होती है वो उन्हीं लकीरों में फिर हम बीज डालते हैं बीज डालने के बाद हम उन लकीरों को मिट्टी से ढक लेते हैं ये तरीका है वीट मेज बार्ली या इसके अलावा बाकी फसलों में भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप पहली पिक्चर में देख सकते हैं कि फील्ड में कैसे लकीरें दी जाती है उसके बाद उसमें सीड लगाया जाता है एडवांटेज The first advantage about this method is that the seeds are placed uniformly with proper spacing and proper depth less seed is required fertilizers manures pesticides etc can be applied along the seeds इसका पहला फ़ायदा अगर हम देखें वो ये है कि इसमें बीज को एक मखसूस जगह और एक मखसूस गहराई मिलती है जैसा कि मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग में बोला था कि बीज को ना तो कोई प्रॉपर स्पेस मिलती है ना कोई प्रॉपर डेफ्त मिलती है इसके बरकस अगर हम इस तरीके में देखें तो जो बीज होता है एक तो वो यूनिफॉर्म रहता है हमारे खेत में और उसको एक मखसूस जगह एक मखसूस गहराई मिलती है जर्मिनेशन के लिए दूसरा इसका फायदा ये है कि इसमें हमें बीज कम इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से हमारा जो बीज होता है वो ज़ाया नहीं होता है इसके अलावा इसका एक और फायदा ये भी है कि जब हम बीज लगाते हैं उन लकीरों में उसके साथ साथ हम जो हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स यानी खाद या अदियात होती है वो हम लगा सकते हैं उसके साथ साथ ही नाउ कमिंग टू द डिसडवेंटेज इट्स टाइम कंज्यूमिंग इट रिक्वायर्स मोर लेबर एंड हाई कॉस्ट इसका इसके नुकसान में क्या है कि एक तो इसमें वक्त ज़्यादा लगता है इसमें पैसा ज़्यादा लगता है और मजदूर भी इसमें ज़्यादा लगते हैं।

छेद बनाते हैं या सुराख बनाते हैं फिर उन्हीं छेदों में हम बीज को लगाते हैं और फिर उसको मिट्टी से कवर करते हैं ये जो आ, हमारे पास जो खेत में हम जो छेद बनाते हैं छेद की गहराई और छेदों के दरमियान का जो फ़ासला रहता है वो हमने पहले ही मखसूस किया हुआ होता है और ये जो छेद है या तो हम हाथ से भी बना सकते हैं या डिबलर जैसे कि आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं डिबलर कैसा होता है इसका जो एंड रहता है वो कॉनिकल रहता है इसी कॉनिकल एंड की वजह से हम इसको फील्ड में लगा के होल्स बना सकते हैं ये तरीका है वेजिटेबल क्रॉप्स में मोस्टली यूज़ करते हैं Now let me tell you about the advantages and disadvantages of dibbling method. It requires less seed. It gives rapid and uniform germination along with good seedling vigor. अगर हम इस तरीके के फायदे की बात करें तो पहला फायदा इसका ये है कि जैसे हमने drilling या line sowing में देखा कि उसमें हमें बीज कम इस्तेमाल होता है तो उसी तरह dibbling method में भी हमारे पास जो बीज होता है वो कम क्वांटिटी यानी कम मकदार में हम इस्तेमाल करते हैं वो दूसरा फायदा इसका ये है कि जो सीडलिंग्स आती है सीडलिंग मतलब जो बीज से निकलने वाला पौधा उसको सीडलिंग बोलते हैं वो एक तो जल्दी जर्मिनेट होता है और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होती है यानि कि जो हमारा खेत है हमने उसमें जो सीड्स लगाई होती है सीड्स लगाते हैं हम उसमें वो यकसा तरीके से जर्मनेट होती है जल्दी जर्मनेट होती है यकसा तरीके से होती है और उनका जो विगर होता है वो बहुत अच्छा रहता है यानी कि जो हमारे पास सीडलिंग्स होती है वो ताकतवर होती है दैट मीन्स वी गेट हेल्दी सीडलिंग्स विद दिस मेथड अंडर डिसएडवेंटेज देर इट्स टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स मोर लेबर जैसे कि हमने ड्रिलिंग या लाइन सो सोइंग तरीके में देखा उसी तरीके से यहां भी अगर हम देखें तो इसमें वक्त ज्यादा लगता है महंगा है और मजदूर भी इसमें ज्यादा इस्तेमाल होते हैं नाउ कमिंग टू द फोर्थ of ऑफ सोइंग planting प्लांटिंग और This दिस मेथड of ऑफ प्रिपेयरिंग in इन द नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग इन द मेन फील्ड This method is practiced इज प्रैक्टिस्ड इन राइस चिल्ली टोमेटो एंड crops. बुआई के इस तरीके में हम क्या करते हैं कि पहले हम एक नर्सरी बनाते हैं तो नर्सरी में जब सीडलिंग्स तैयार होती है तो उनको फिर हम मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं यानी कि जो मरकजी खेत होता है उसी में मुंतकिल कर देते हैं ये हम दान मिर्ची और टमाटर में इस्तेमाल करते हैं ये तरीका नाउ कमिंग टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस वेरी मेथड द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द रेजिंग ऑफ नर्सरी इज द इजीएसट वे फॉर स्मॉल सीडेड क्रॉप्स एंड द मेन फील्ड कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप्स टिल द नर्सरी इज रेडी इसका फायदा ये है कि जो छोटे बीज वाले फसल होते हैं उनके लिए आसान रहता है नर्सरी बनाना फिर मरकजी खेत में उन सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र करना दूसरा फायदा ये है इस तरीके का कि जब तक हमारी नर्सरी तैयार होगी तब तक हम जो हमारा मेन फील्ड है मरकज़ी खेत जो रहता है उसमें हम तब तक कोई और फसल भी लगा सकते हैं दैट इस कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग डिसएडवेंटेज एक्स्ट्रा केयर इज़ नर्सरी फॉर टेंडर सीडलिंग्स एंड मोर लेबरस इसका नुकसान ये है कि जो हमारे पास जो कुछ सीडलिंग्स वो नाजुक होती है टेंडर सीडलिंग्स तो उनका ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है नर्सरी में दूसरा इसका जो नुकसान है कि इट्स मोर लेबरस यानी कि इसमें भी वक्त पैसा और मज़दूर ज़्यादा लगता है Thank you, dear students. I had tried my best to make this topic easy and clear for you. Hope you have understood and learnt well. Thank you again.